कारोबारी घराने में संपत्ति के बंटवारे से लेकर उत्तराधिकारी चुनने की प्रक्रिया के कई किस्से आपने सुने होंगे। कई कारोबार ऐसे भी हैं जहां उत्तराधिकारी का संकट मंडरा रहा है। कारोबार को संभालने वाली अगली पीढ़ी कौन होगी, किसे जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर संशय बना हुआ है। अब ऐसा ही संकट बायोकॉन के कारोबार पर भी देखने को मिल रहा है। क्या है पूरा मामला आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार, मैं हूँ प्रेरणा सागर और आप देख रहे हैं द वोकल न्यूज। दरअसल बायोकॉन की फाउंडर किरण मजुमदार शॉ के करोड़ों के कारोबार को उनके बाद कौन संभालेगा, इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। 70 साल की हो चुकी किरण मजुमदार शॉ की कंपनी बायोकॉन 32,000 करोड़ की है, लेकिन उनकी इस कंपनी को उनके बाद कौन संभालेगा, इस पर संशय बना हुआ है। दरअसल किरण मजुमदार शॉ का कोई बच्चा नहीं है। बीते साल उनके पति का निधन हो गया था। किरण के बाद बायोकॉन का अगला मुखिया कौन होगा, इस पर से अब तक पर्दा नहीं हटा है। किरण ने अभी तक कंपनी के उत्तराधिकार के मामले में कोई बात नहीं कही है। किरण मजुमदार शॉ एक सक्सेसफुल बिजनेसवुमन है। बेंगलुरु में उनकी ये कंपनी आज 32,000 करोड़ की है। साल 1978 में उन्होंने 10,000 रुपए में बायोकॉन की शुरुआत की थी। 25 साल की किरण जब अपनी कंपनी के लिए लोन लेने बैंकों के पास जाती तो उन्हें वो कहकर वापस कर दिया जाता था कि आपकी गारंटी बहुत कम है। एक यंग बिजनेसवुमन जिसके पीछे न कोई कारोबारी घराना था और न ही बिजनेस का एक्सपीरियंस, उन्हें बैंक से लोन इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि उन पर पैसा लगाना बैंकों को जोखिम भरा काम लग रहा था। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद कंपनी खड़ी तो कर दी, लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुई। फीमेल बॉस के अंदर कोई काम करने को रेडी नहीं था, उन्हें नौकरी के लिए लोग नहीं मिल रहे थे। वहीं बायोकॉन के पहले दो कर्मचारी ट्रैक्टर मैकेनिक थे। किरण अपने काम में इतनी बिजी थी कि उन्हें प्यार करने तक का टाइम नहीं मिला। 1998 में उन्होंने उजॉन शॉ से शादी की। शादी के कई साल बीतने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई। पिछले साल उनके पति का भी निधन हो गया। किरण मजुमदार शॉ की कोई संतान नहीं है, उन्होंने कभी इस बारे में चर्चा नहीं की। अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि किरण का उत्तराधिकारी कौन होगा, उनकी करोड़ों की संपत्ति को कौन संभालेगा। हालांकि मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि किरण बायोकॉन प्रोफेशनल्स के हाथों में अपनी कंपनी की जिम्मेदारी सौंप सकती है, या फिर टाटा की तरह वो ट्रस्ट बनाकर कंपनी की कमान उसे सौंप सकती है। सिर्फ किरण मजुमदार शॉ ही नहीं, ऐसे कई कारोबारी घराने हैं जिनके उत्तराधिकारी पर सबकी निगाहें हैं। मुकेश अंबानी ने तो अपने तीनों बच्चों को कारोबार में शामिल कर उन्हें जिम्मेदारियां सौंपना शुरू कर दिया है। प्राइवेट बैंक कोटक महिंद्रा बैंक के फाउंडर उदय कोटक ने MD और CEO के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने बेटे को कमान सौंपने के बजाय प्रोफेशनल के हाथों में बैंक की जिम्मेदारी सौंपी है। कोटक का कहना है कि उनके बेटे जय कोटक की ताजपोशी बोर्ड पर निर्भर करेगी। इसी तरह से महिंद्रा एंड महिंद्रा की कमान संभाल रहे आनंद महिंद्रा की दोनों बेटियां विदेश में रहती हैं। आनंद महिंद्रा के बाद कौन कंपनी की जिम्मेदारी संभालेगा, इस पर भी संशय है। इसी तरह से सिप्ला, वाडिया ग्रुप, सनफार्मा, मेरिको, भारत फोर्ज, अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो टायर्स के कारोबारी घराने पर भी उत्तराधिकारी के संशय मंडरा रहा है। इनके अलावा क्या आपको कोई और कंपनी याद है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक करें। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ डेली खबरों के लिए हमारी वेबसाइट thevocalnews.com को भी विजिट कर सकते हैं।